गैंगस्टर आनंद पाल के फरार होने की घटना की प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आखिरकार सरकार को मिल गई है। विधानसभा में जब 31 मार्च बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर सवाल उठे तो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में दावा किया कि जांच रिपोर्ट कल शाम 7:15 बजे ही सरकार को मिल गई है, जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि कटारिया ने जांच रिपोर्ट में क्या कुछ है, कौन दोषी है, इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। वहीं इससे पहले शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आनंद पाल फरारी प्रकरण की जांच रिपोर्ट तय अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं मिलने पर सवाल उठाए थे। उस समय कटारिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद निर्दलीय हनुमान बेनीवाल ने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने 22 मार्च को सदन में आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली। वहीं सरकारी कर्मचारियों के तीसरे संतान होने पर पदोन्नति से वंचित करने के प्रावधान को हटाने का मामला शून्यकाल में विधानसभा में उठाया गया। निर्दलीय विधायक मानिक चंद सुराणा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मुद्दा उठाया। सुराणा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के तीसरी संतान होने पर पदोन्नति से वंचित करने का प्रावधान भेदभावपूर्ण है। केंद्र ने इस तरह का कोई प्रावधान नजर नहीं आता है। 12 राज्यों में ये इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आईएएस आईपीएस के 5 बच्चे हो जाए तो प्रमोशन नहीं रुकता है, लेकिन राज्य सेवा के कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित कर दिया जाता है। वहीं अशोक गहलोत सरकार के समय जिंदगी भर प्रमोशन रोकने, एसीपी रोकने का प्रावधान लागू कर दिया। इस प्रावधान से कर्मचारी हीन भावना से ग्रसित होते रहे हैं। तीसरे संतान के प्रावधान को हटाने के लिए 40 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जवाब में नाराज होते हुए कहा कि अशोक गहलोत का नाम लेकर आप प्रावधान हटवा नहीं सकते। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये प्रावधान लागू किया गया है और किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे विरोधी दल से होने के कारण प्रावधान हटा दिया जाएगा। तो भाई यदि ये जनहितैषी या कर्मचारी हितैषी सरकार है तो मेरी मांग होगी कि 20/6/2001 का आदेश समाप्त किए बिना राज्य कर्मचारियों को अन्याय से मुक्ति नहीं मिलेगी। 10 साल में तो नीचे का अधिकारी, 3-3 अधिकारी जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे और उम्र भर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स की भावना जिसको पदोन्नति नहीं मिली है उसको उसके दिमाग में रहेगी और उम्र भर वो उससे पीड़ित रहेगी। विधानसभा में जयपुर में तोड़े गए मंदिरों पर 40 मिनट तक गर्मा गर्म चर्चा हुई। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने मंदिर हटाने के तोड़ तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह ने माना कि रोजगारेश्वर मंदिर को हटाने में जिस विधि विधान और धार्मिक तरीके का पालन होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। तिवाड़ी ने कहा कि रोजगारेश्वर मंदिर को निर्ममता से ध्वस्त कर दिया गया, आरी से शिवलिंग को काटा गया। हिंदू कर्मचारियों ने शिवलिंग को आरी से काटने से मना किया तो मुस्लिम कर्मचारियों को बुलाकर कटवाया गया। रोजगारेश्वर को हटाने में किसी विधि विधान का पालन नहीं किया गया। तिवाड़ी ने मुख्यमंत्री के सचिव, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये तीनों अफसरों ने षड्यंत्र करके मंदिर को ध्वस्त करवाया है। औरंगजेब की सेना की तरह रात 2 बजे मंदिरों को घेरा गया। जब रोजगारेश्वर मंदिर हटाना सही था तो फिर उसे दोबारा क्यों बनवाया जा रहा है। मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ के मंदिरों को भी दोबारा प्रतिष्ठा उनकी करवाई गई है। इस पर तिवाड़ी ने कहा कि मंत्री जी गजनी और गौरी से सरकार की तुलना क्यों कर रहे हो। वहीं कॉलेजों में खाली चल रहे व्याख्याताओं के पदों के मामले में आज एक बार फिर से सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को सदन में घेर लिया। प्रश्नकाल में विधायक हमीर सिंह भायल ने सिवाना के सरकारी कॉलेज में खाली पड़े पदों को भरने का मामला उठाया तो सदन में मौजूद बीजेपी विधायक जोगाराम पटेल का भी दर्द फूट पड़ा। जोगाराम पटेल ने तो मंत्री से ये तक
कह डाला कि आखिर वे कब तक उधारी के व्याख्याताओं से बच्चों को पढ़वाते रहेंगे। जोगाराम का कहना था कि उनके क्षेत्र के सरकारी कॉलेज में 8 व्याख्याताओं के और 13 पद नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली चल रहे हैं। इनमें 3 ही व्याख्याता पूरे कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 3 भी उधारी के लाए हुए हैं। जवाब में मंत्री कालीचरण सराफ ने 1 जुलाई से पहले व्याख्याताओं के खाली पड़े स्थायी पदों पर भर्ती कराने का आश्वासन दे दिया। उन्होंने बताया कि 1339 व्याख्याताओं के पद खाली हैं, जिसमें भर्ती के लिए आरपीएससी में चयन प्रक्रिया भी चल रही है। तो सदन में आज पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में चुनावी रेवड़ियों की तरह बांटी गई सामाजिक पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर पात्र लोगों के नाम भी पेंशन योजना से हटाने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने ये मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि अकेले टोडा भीम के एक कस्बे में समीक्षा के नाम पर पेंशन योजना से 700 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया। मेहर ने सरकार से योजना में समीक्षा के नाम पर हटाए गए सही लोगों के नाम जोड़ने के लिए कमेटी बनाने की मांग की। हालांकि जवाब में मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे दिया। चतुर्वेदी ने बताया कि दिसंबर 2013 में योजना के तहत 46,70,000 पेंशनधारी थे, जो बढ़कर 57,88,000 हो गए हैं।